बॉलीवुड की दिवंगत एक्ट्रेस जिया खान की जिंदगी पर बनी डॉक्यूमेंट्री डेथ इन बॉलीवुड हाल ही में यूके में रिलीज की गई। बीबीसी पर आई इस डॉक्यूमेंट्री के दूसरे ही एपिसोड में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जिया खान की बहन करिश्मा ने डायरेक्टर साजिद खान पर जिया के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट के संगीन आरोप लगाए हैं। करिश्मा के अनुसार अपने साथ हुए इस दुर्व्यवहार के बाद जिया घर आकर खूब रोई थी। जिया की बहन ने यह भी बताया कि साजिद ने उनका भी फायदा उठाने की बहुत कोशिश की थी। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिया की बहन इस डॉक्यूमेंट्री में बताती है कि रिहर्सल के दौरान जब जिया स्क्रिप्ट पढ़ रही थी उसी समय साजिद ने जिया से उनका टॉप उतारने को कहा। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने कहा था कि फिल्म की शूटिंग अभी शुरू नहीं हुई है और ये सब हो रहा है। वो घर आकर रोने लगी। ये किस्सा है फिल्म हाउसफुल की शूटिंग के दौरान का। डेथ इन बॉलीवुड की इस डॉक्यूमेंट्री में जिया की बहन करिश्मा ने बताया कि जिया इस फिल्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थी, अगर वो छोड़ती है तो उसे धमकाया जाएगा और फिर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, और अगर वो इस फिल्म में काम भी करती है तो भी उनके साथ यौन उत्पीड़न किया जाएगा। हर तरफ से वो फंस रही थी, इसीलिए उसने फिल्म में काम किया। करिश्मा ने अपने साथ हुए एक वाक्य के बारे में भी बताया। वो कहती है कि उन्हें याद है जब पहली बार वो साजिद के घर गई थी अपनी बड़ी बहन जिया के साथ। वो उस वक्त महज 16 साल की थी। उन्होंने एक रिवीलिंग टॉप पहना हुआ था। साजिद ने उन्हें घूरा और कहा, ओह इसे सेक्स चाहिए। उसी समय मेरी बहन जिया खान मेरे बचाव में आ गई थी। उसने कहा, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो। इस पर साजिद ने कहा कि देखो तो वो कैसे बैठी है। इस पर जिया खान ने कहा, नहीं वो इनोसेंट है, वो यंग है, उसे अभी ये भी नहीं पता कि उसे क्या करना चाहिए। इसके बाद थोड़ी देर में हम वहाँ से चले गए। आपको बता दें कि जिया ने साजिद खान के साथ हाउसफुल में काम किया था। इस फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, रितेश देशमुख और लारा दत्ता जैसे स्टार्स थे। वही साल 2018 में शुरू हुए मीटू मूवमेंट के तहत साजिद खान पर कई महिलाओं ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें सलोनी चोपड़ा, रचेल वाइट, आहना कुमार, मंदाना करीमी, मॉडल पाउला और एक पत्रकार भी शामिल थी। इतना ही नहीं, बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने भी साजिद को घटिया आदमी बताया था। वही साल 2018 में बॉलीवुड की उभरती अदाकारा जिया खान ने महज 25 साल की उम्र में अपने घर पर कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में जिया की मां राबिया ने खुले तौर पर आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को इसका जिम्मेदार बताया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिया और सूरज उस वक्त डेट कर रहे थे। जिया की मां ने ये भी आरोप लगाया था कि बॉलीवुड की पावरफुल लॉबी सूरज को बचाने की मदद कर रही है। इस मामले में पुलिस ने कई महीनों तक जांच भी की थी और सूरज पंचोली को गिरफ्तार भी किया था, हालांकि उन्हें एक महीने के बाद जमानत मिल गई थी। बाद में जिया खान की मौत का मामला जांच के लिए CBI को सौंप दिया गया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपके कोई भी प्रश्न या सुझाव हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी हर अपडेट के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।